नमस्कार, दर्श न्यूज के इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस खास सेगमेंट में हम सरकारी नौकरी से जुड़ी खबर आपके लिए लेकर आते हैं। आज भी सरकारी नौकरी का पता लेकर हाजिर हैं और आज झारखंड सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर भर्ती के लिए सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के डेट्स का ऐलान हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति के लिए 2013 और 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JTET में पास अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। CTET पास अभ्यर्थियों को इसमें मौका नहीं दिया गया है, परीक्षा जनवरी में होगी। कुल 26,001 पदों में 12,868 पद सहायक अध्यापकों यानी पारा शिक्षक के लिए आरक्षित किए गए हैं, वहीं 13,133 पद गैर पारा शिक्षकों के लिए हैं। एक चरण में होगी परीक्षा। इस भर्ती के लिए परीक्षा एक चरण में ही ली जाएगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह से TET पास होंगे उसी विषय या विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। सहायक आचार्य की नियुक्ति की परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। इसी आधार पर प्राप्तांक और मेधा सूची भी जारी की जाएगी। मुख्य परीक्षा के नाम से टेस्ट होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव व बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न। पदों का ब्यौरा। पारा शिक्षक के लिए पद आरक्षित पद हैं 12,868, पहली से पांचवी के लिए 5,469, छठी से आठवीं के लिए 7,399। गैर पारा शिक्षक के पद आरक्षित पद हैं 13,133, पहली से पांचवीं के लिए 5,531, छठी से आठवीं के लिए 7,602। वेतनमान यानी आपको कितना वेतन मिलेगा। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य को 25,500 रुपये से 81,100 रुपये, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य को 29,200 रुपये से 92,300 रुपये, पहली से पांचवी के सहायक आचार्य के 39,000 से 44,356 रुपये, छठी से आठवीं के सहायक आचार्य के 45,092 से 50,270 रुपये। विस्तृत जानकारी के लिए JSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। दर्श न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।